Assalamu alaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourers. आज इस एपिसोड में आपके लिए मैं एक नई चीज़ के साथ आया हूँ. मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक और मोटर बाइक है और वो कौन सी है, DYL 125. अब DYL 125 ये है 2013 मॉडल. 2013 में ये मैंने ली थी और उसके बाद एक फ्रेंड ने मुझसे ले ली. ये हम लोगों के दरमियान काफ़ी चलता है. उसके बाद लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने उनसे फिर ले ली थी. तो मैं आपको इसका बताता हूँ कि इसमें क्या है, DYL 125 क्या ये आखिर चीज़ क्या है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कहने को इसकी बुक में लिखा हुआ यामा हाई लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि इसका टैंक तो आप देख रहे हैं कि स्पोर्टी टैंक है. अच्छा, सीट भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है. और अभी पहले मेरा ख्याल है इंजन से स्टार्ट करते हैं. इंजन इसका कहने को तो यामाहा का, लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल CG 125 वाला OHV इंजन है. इवन के पूरा नट टू नट इसका और जो फ्रेम है इसका और जो चिमटा जिसको कहते हैं, ये भी CG 125 का है. यानी अगर कोई भी चीज़ इसमें डलनी हो तो वो CG 125 की डलेगी. और लेकिन फ़र्क क्या था इसमें कि इसमें जो गियर बॉक्स लगा हुआ है ये 5-speed गियर ट्रांसमिशन है, जैसे CG डिलक्स की होती है. इवन मैंने एक CG के मैकेनिक को दिखाया था तो उसने कहा कि इसमें CG डिलक्स का जो है वो गियर बॉक्स लगा हुआ है. बाकी इंजन बिल्कुल सेम टू सेम Euro 2, ये आप देख रहे होंगे Euro 2. अच्छा, उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि इसके आगे CG के आगे होता है 18 rim, इसके आगे 17 rim है. 17 rim के साथ अगर आपको मैं दिखाऊं कि इसमें ही लगी हुई है डिस्क ब्रेक लगी हुई है. अच्छा, डिस्क ब्रेक, ये डिस्क प्लेट आप देख रहे हैं, डिस्क ब्रेक कंपैरेटिवली CG 125 डिलक्स से थोड़ी छोटी है. लेकिन जो ये सिलेंडर आप देख रहे हैं, डबल पिस्टन ब्रेक है और इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वही ब्रेक पैड डलते हैं जो CG 125 डिलक्स में डलते हैं. और एक मैं आपको बताऊं कि इसका ये एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं, ये CG 125 का है. ये मैंने बाद में लगवाया था, इसमें लगा हुआ था, इसका अपना शेप का था. लेकिन उससे क्या था कि थोड़ा परफॉर्मेंस से और थोड़ा जो एग्जॉस्ट का जो आउटफ्लो था वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा था, वो मैं सेटिस्फाइड नहीं था उससे. तो मैंने ये पूरा जड़ से लेके समझें CG 125 का डाला, जिससे इसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई. बाकी अगर इधर आ जाएं तो इसका कार्बोरेटर एग्जैक्टली CG 125 वाला कार्बोरेटर है और इसमें सेल्फ वगैरह कोई नहीं है, किक से ही स्टार्ट होता है. ये किक आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली ये पार्ट भी यहाँ लिखा तो DYL है, लेकिन एग्जैक्टली ये CG 125 की तरह. तो ये खाली किक स्टार्ट है. बाकी अगर आ जाएं इसके बैक पे आए तो प्लास्टिक प्लस फाइबर मिक्सड. अच्छा, ये एक मड गार्ड है, इसके साथ रिफ्लेक्टर है और बैक लाइट आप देख रहे हैं कि बैक लाइट भी थोड़ी स्पोर्टी सी है. और ये इंडिकेटर्स हैं इसके स्टाइलिश से LEDs वाले हैं. अब अगर आ जाएं शॉक्स पे तो शॉक्स इसके जब मैंने ली थी ये बाइक तो उसके थोड़े वीक हो गए थे. फिर मैंने क्या किया कि इसमें CG 125 के ही मैंने रियर शॉक्स डलवा दिए, जिससे क्या हुआ कि थोड़ी सी हार्ड हुई, लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि सारा कुछ CG 125 का था तो ये जब CG 125 के डाले तो उससे परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई. अब बैटरी तो खैर अंदर है, लेकिन मैंने इसे डाल ली थी बैटरी बड़ी, जो ड्राई बैटरी होती, क्योंकि मैंने इसमें इंस्टॉल की थी. मेरा इरादा था लॉन्ग टूर का इसमें जाने का. ये आप देख रहे हैं कि SMD लाइट्स हैं, ये मैं आपको जला के भी दिखाता हूँ. ये आप देख रहे हैं SMD लाइट्स. और अगर इधर आए तो मैं आपको दिखाऊं इसका थोड़ा हैंडल बार की तरफ आते हैं. लेफ्ट हैंडल बार पे एग्जैक्टली इसके वही ग्रिप्स हैं जो CG 125 के होती हैं. अच्छा, ये आ जाती है लाइट का डिप और हाई. ये आ गए इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स बिल्कुल सिंपल है, वो प्रेस होने वाले नहीं, पहले यूं ही होते थे. ये राइट का, ये आ गया हॉर्न आ गया. अच्छा, इस साइड पे आ जाएं तो इस साइड पे ये था कि इसमें एक ही स्पेशल फीचर जो इसमें दिया था, जो आम तौर पे नहीं आता, कि चारों इंडिकेटर्स इससे ऑन ऑफ होते थे. ये उसके बाद इधर आ जाएं तो ये पार्किंग लाइट,
और ये फुल लाइट। अच्छा, ये इसका आप देख रहे हैं कि ये वैसे ही इसका जहाँ ब्रेक ऑयल पड़ता है, यहाँ से इसका अगली डिस्क का ब्रेक ऑयल डलता है। और अगर बाकी इधर आए तो मैं आपको दिखाऊं जो मैंने कस्टम चीज़ें लगवाई हुई हैं। अगर कैमरा ये पास आता है, ये मैंने जो आगे SMD लाइट्स लगवाई हैं, ये उसका ऑन ऑफ स्विच, ये आफ्टर मार्केट है। और ये जो मैं हर बाइक में लगवाता हूँ, इसका काफ़ी फ़ायदा होता है, ये है चार्जर। ये स्विच के साथ ये ऑन ऑफ होता है। यहाँ आप लीड लगा के तो इससे आप मोबाइल या कैमरा चार्ज कर सकते हैं, इसका काफ़ी फ़ायदा है। अच्छा, मीटर पे अगर आ जाए तो मीटर पे मुझे कुछ फुर्सत नहीं मिली, कुछ मेरे जो फ्रेंड वो जिनके पास वेगो भी, इनफैक्ट ये भी उन्हीं के पास थी, तो मीटर में इसके आपके बताऊं कि ये स्पीडोमीटर मेन यहाँ पे आता है, गियर इंडिकेटर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ये है इसकी फ्यूल गेज है। और इधर आ जाए तो ये इसका RPM है। थोड़ा ये शीशा था इसका क्रैक हुआ, तो वो टाइम नहीं मिल रहा जो कि मेरा ख्याल है डाला जा सकता है। तो बाकी अगर आप इधर से दिखाएं तो एक जो मैंने मॉडिफिकेशन की थी जिसकी वजह से मेन लुक इसमें हुई, वो क्या हुआ कि ये जो मड गार्ड आप देख रहे हैं, ये पहले नीचे था। उसमें क्या था कि जब ये ओरिजिनली मोटर बाइक आई थी तो इसमें टायर लगा हुआ था 2.50, जिस पे मुझे इसकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने इसमें चेंज करके 300, ये आप देख सकते हैं अगर ये दिखाएं, 300/17 का, उससे एक अच्छी रोड ग्रिप हो गई। तो जब ये आई तो वो मड गार्ड साथ इसके लगता नहीं था, टच होता था। फिर मैंने इसे ऊपर कर दिया जिसकी वजह से एक ये थोड़ी यूनिक सी लुक देने लगी है। बाकी इसके अगर आप कहें कि दौड़ और पिक वगैरह तो वह नहायत अच्छी है, बिल्कुल बहुत है, मतलब लॉन्ग के लिए भी अच्छी है और बहुत अच्छी है ये। इसका इस्तेमाल मैंने भी किया है, मेरे जो फ्रेंड उन्होंने तो खैर बहुत ही दुबा के इसको रगड़ा लगाना जिसको कहते हैं। बाकी ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने खुद लगवाया था, ये इसका कैरियर, जैसे कैरियर कह लिए सामान रखने के लिए, उसमें एक लॉन्ग रूट पे जाएं तो ये काफ़ी काम आ सकता है, ये मैंने खुद बनवाया था। तो अब मेरा ख्याल है कि हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी पर्सनली, कि ये टैंक का, आप टैंक का देख रहे हैं कि जैसे आजकल आते हैं नई बाइक्स में या हैवी बाइक्स में, इसका टैंक बिल्कुल वैसे है, ये कवर यानी कि टैंक कवर। तो व्यूअर्स, आपका कोई सवाल हो, वैसे मार्केट में ये नहीं है, अगर आप कहें कि कहाँ से मिलेगी, तो ये 2013 में चंद पीस आए थे इसके। तो बाकी कोई अगर आप इसकी कोई चीज़ पूछना चाहें तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।